आई एम विद अशोक सर. अरे माय प्लेजर सर. सीताराम सर ने भी हमें मैथ्स पढ़ाया है और अशोक सर ने भी हमें मैथ्स पढ़ाया है. तो अशोक सर से आई एम मीटिंग आफ्टर हाउ मेनी इयर्स सर? इतने साल नहीं, छह आठ साल, मतलब 12 के पास, 12 के पास. और सर से भी सर को सब लोग जानते हैं. आई आई एम सर ने हमारी इतनी अच्छी लैब क्लासेस ली हैं, फिजिक्स लैब क्लासेस सर ने ली थी ना हमारी, आई रिमेम्बर एट दैट टाइम. एंड माई फ्रेंड्स ऑफ माई बैच वुड एब्सोल्यूटली लव एंड रिमेम्बर सर. हम लैब में कुछ भी नहीं करते थे एंड ही उसको जस्ट कीप अ चेक दैट तुम कुछ कर नहीं रहे हो और तुमसे होगा भी नहीं भैया, तुम जाओ, तुम्हें जिंदगी 6-8 साल बाद हो जाएगी. और बट वी एब्सोल्यूटली हैड अ ग्रेट टाइम, राइट सर? स्टूडेंट्स का सर कैसे रहता था आपके साथ? नाइस नाइस. देखो सर कितने अभी भी खुश है और सर को देखने वाले सारे मेरे दोस्त भी कितने खुश होंगे. अशोक सर आप बताइए सर, हाउ डू यू फील? मेरी अशोक सर से कभी 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 बात होती है सर. एक बार अशोक सर एज रिटर्न अ रिकमेंडेशन फॉर मी. आई एब्सोल्युटली हैव दोज वर्ड्स एंड ग्रेट सुशील सर ने भी मेरी रिकमेंडेशन लिखी है. इट हैज बीन ब्यूटिफुली इंग्रेव्ड इन माय मेल बॉक्सेस एंड वेरी सून आई विल बी शेयरिंग दैट इन माय ऑफिस विद ऑल माय टीम. एंड बहुत अच्छा लगता है, यू नो, इन वन फ्रेम आई थिंक आई विल बी ऑल माय ऑल गुड टू ऑल गेट इन टच. मतलब दिस वॉज आई शेयर वन इंसिडेंट. हमारा एक बैचमेट था, आई नॉट नेम हिम. जितने सारे दोस्त देख रहे हैं ना वो उस भाई का नाम याद रखेंगे. वैसे भाई नाम मैंने बोल दिया तो वो सबका ही भाई है वैसे. तो एक दिन उन भाई साहब ने एक स्टाफ रूम का दरवाजा खोला और यहाँ पे हमारे प्रोफेसर बैठे थे. तो उनको बोलता सर आज क्लास नहीं है, आज क्लास नहीं है, आज क्लास नहीं है. और पूरे बैच पूरा सेक्शन उनको पीछे से कह रहा तो क्यों घुस रहा है अंदर, क्यों घुस रहा है. बाद में भाई साहब की बहुत बुलाई हुई थी पहले सर से फिर स्टूडेंट से. तो वो ऐतिहासिक दिन है, वो सेकेंड ईयर का डे था. तो वो मैं दिन तारीख बोलूंगा नहीं तो भाई अपना एक्सपोज हो जाएगा. बट वी ऑल हैव दिस मेमोरीज एंड आई थिंक वी कैन डिस्कस दिस मेमोरीज टुडे बिकॉज एवरीवन इज एज एज नाउ ओवर योर स्टूडेंट्स एंड वुड ऑलवेज बी योर स्टूडेंट्स ऑफ योर आर डूइंग वंडरफुल इन देयर ओन रिस्पेक्टिव फील्ड्स. सो व्हाट वुड यू लाइक टू से अशोक सर? अच्छा मेरे बारे में बोलो. I was thinking that Tojasvi is going to be a very good photographer. Now I am seeing him as a director, so it is, I think, more advanced version of photographer now. Good luck for his future now, for future endeavors also. Thank you. तो किसी ने मुझे पूछा था कि अरे सर आप ही बताओ आपका मेरे साथ कैसे इंटरेक्शन रहा. मैंने इनको इतना तंग किया है और पूछो मत, मैं इधर मुंह करके बात करूं. Tojasvi, good student. Okay, now he reached great heights. Open his company and doing well. I wish him success in life. ये वो कॉरिडोर है जहाँ मतलब जब हमारे पास कोई काम नहीं होता था या जब ब्रेक होती थी तो हम सारे यहाँ बेंचेस लगे होते थे, यहाँ पे बैठते थे. और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, ही इज नाउ अ कैनेडियन, बट वेन एवर ही यूज टू वॉक डाउन फ्रॉम दिस स्टेयर वो भाई इन सीढ़ियों से उतरता था और उतरते ही सबसे पहले उधर देखता था कि जो मोहतरमा उन्हें पसंद थी एट दैट टाइम, मतलब कोई बात नहीं हुई तो वो कहीं इधर कहीं बैठी होती थी, माता रहे बार बार मतलब वहाँ बैठी होती थी. और भाई देख के बहुत खुश होते थे, लेकिन दूर से ही देख के खुश होते थे. फिर हाय राम और तीन बार भगवान का नाम देख के इधर हमारे पास आ जाते थे बात करते. तो भाई ये तेरे लिए है ये एरिया, ये कॉरिडोर. हम सिर्फ बैठे हैं यहाँ, हमने इसको देखा नहीं. ये वो वाटर कूलर है जहाँ हमने ठंडे पानी की बोतलें भरी हैं, लड़लड़ के भरी हैं, छुट्टी का टाइम भरी, आग पीछे भरी हैं. और बड़ी ऐतिहासिक जगह होती थी नेटवर्किंग करने की, पानी के बाहर ही आधे लोग मिलते थे, पता नहीं क्लासे कुछ से फूल लगा सकते नहीं. ऐसे कॉरिडोर बहुत होते थे जब भी हमारे यहाँ फेस्ट होते थे. तो
ये ऑडी ऑडी बुक हो जाता था। ऑडी बड़ा ऐतिहासिक ऑडी हमारा, इसमें हमने बहुत पंगे लिए। ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, ऑल ऑफ माई बैचमेट्स, माई जूनियर्स वुड नो हाउ इम्पोर्टेंट दी ऑडी वॉज अ पार्ट ऑफ आर यू नो ऑल आर एक्टिविटी। आज लेट्स गो टू दी ऑडियंस। बड़ा फूलों से सजाया गया, फूल लगे हुए काफी सारे। Our honorable dean at that time and vice chancellor at that time and chancellor at that time used to come और वो सबको आगे खड़काते थे। तो जितने भी हम लोग notorious होते थे यहीं बैठते थे, यहीं पर हमारा lunch होता था। ऐसे ही हम बैठ जाते थे, अपना सुनते रहते थे, घंटों घंटे lecture यहीं पर ही सो जाते थे। और जब भी OT लेनी होती थी official duty from lecture तो लेके यहीं आते थे, क्योंकि आई थिंक यहीं पर AC ठीक ठाक चलते थे, है ना। और वो भाई वो पीछे की जो लास्ट सीट है ना, मतलब वो अपनी होती है। आई थिंक सब लोग जानते होंगे वॉकिंग वर्ल्ड और ये पर भाई आपने इधर बैठते थे हम लोग, और इधर से अलग से तालियां सीटियां, मतलब सब रीजन से इनिशिएट होता था। बट नहीं पर यूनिवर्सिटी वॉज वेरी हेल्पफुल, यू नो दे अंडरस्टूड द प्रॉब्लम स्टूडेंट्स वर गोइंग थ्रू एंड वी ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस। बट ऑन द होल दिस इज द ऑडी, यू नो वी यूज्ड टू कॉल इट द ऑडी। एंड